हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हम स्पेशल वीडियो बना रहे हैं, सोडा फिलिंग प्लांट, सोडा बॉटलिंग प्लांट की वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो हमने पहले बहुत सारी वीडियो हमारी यूट्यूब पे डाली हुई है दोस्तों, तो हमारी यूट्यूब सी वीडियोस देख के बहुत सारे व्यूअर्स कस्टमर्स ऑनलाइन बुकिंग करा देते हैं और बहुत सारे कस्टमर हमारी फैक्ट्री पे विजिट के लिए आते हैं। तो आज हमारे यहाँ स्पेशली कस्टमर नेपाल से आए हुए कंपनी की विजिट के लिए, फैक्ट्री की विजिट के लिए नेपाल से हमारे यहाँ कस्टमर है, सोडा बोतल फिलिंग प्लांट के लिए आ रहे। तो हम कस्टमर से थोड़ा पूछेंगे, बातचीत करेंगे और कस्टमर को मशीन की डिटेल्स देंगे और मशीन के अंदर से प्रोडक्शन निकाल के सोडा का क्वालिटी और टेस्ट पूछेंगे और हमारी कंपनी के बारे में रिव्यू डिटेल्स लेंगे। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपेंद्र प्रजापति, हम भैरावा रूपंदेही नेपाल से आए हुए। भैरावा से आए क्या जी? नेपाल से आए। नेपाल। और आप कहाँ से सर? संजय कुमार कुर्मी। ओके। मैं भी भैरावा से आया हुआ। अच्छा, नेपाल से आए। नेपाल से आए। और सर आपको हमारा रूपंदेही जिला से? रूपंदेही जिला से आए। अच्छा, और सर आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला सर आपको? मैं सर YouTube में सर्च करके हम लोग YouTube में पहले वीडियो देखा होगा आपने हमारी कंपनी का। हाँ सर, उसके फिर बाद आपने कांटेक्ट किया होगा हमारी टीम को, कांटेक्ट फिर यहाँ पे विजिट के लिए आए। हाँ सर। और सर एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि हमारा हम YouTube में हमारे वीडियोस में हमारे व्यूवर्स को जो बताते हैं कि हम ऐसा काम करते हैं, हमारा ऐसा क्वालिटी ऐसा फंक्शन है और हमारा इतना फैक्ट्री है, तो वो ओरिजिनल है एक्चुअल में है यहाँ पे आपने देखा? हंड्रेड परसेंट। वो तो मैं हम लोग विजिट भी कर चुके हैं ना। अच्छा। और कुछ आपका कुछ फ्लेवर भी हम लोग चेक भी किए, और जो आप जो फ्लेवर हम लोग को दिए वाकई में जो जैसा आप बोले थे उसी हिसाब से हम लोग है, वो उस हिसाब से है। और आज का तारीख है अराउंडली 13 नवंबर का तारीख है आज, आप देख सकते हैं। तो सर आज आप यहाँ पे विजिट पे आए, तो और भी कस्टमर आए होंगे, देखा होगा कुछ आपने, तो कोई आए थे आज कस्टमर? आए थे सर, मेरे सामने मैंने देखा लगभग 3-4 लोग आए थे। हाँ। 3-4 लोगों में शायद 2-3 मशीन का बुकिंग भी हो चुका है। बुकिंग भी आपके सामने ही किया हमने, बुकिंग आउट भी हो चुका है। अच्छा अच्छा, खुशी भी लगा सर कि मतलब एक विजिट तो अपने जगह पे सर, आप कुछ आपके मतलब जैसे जो आपका व्यवहार है उस व्यवहार से भी हम लोग बहुत संतुष्ट हैं सर, और आने वाले दिन में ऐसा लगता है कि अच्छा कारोबार होगा। अच्छा कारोबार होगा। अच्छा अच्छा, तो सर आज हमारे यहाँ पे आए विजिट के लिए, उनके साथ ही दूसरे 3-4 कस्टमर भी हमारे आए थे। एवरी डे हमारी कंपनी में हमारे कस्टमर विजिट करते हैं और हमारे कस्टमर को मोस्ट वेलकम है। आप यहाँ पे आइए, देखिए हमारा काम कैसे हम काम करते हैं। और सर आपने हमारे यहाँ पे दूसरी भी प्रोडक्ट्स देखी होगी आपने, जैसे कि आइसक्रीम मशीन है, स्लश मशीन है, शुगर केन मशीन है। देखा सर, वो आइसक्रीम मशीन वाला भी देखा, उसके बाद वो जो गन्ने का जो है, गन्ने का आपने निकाल के जो थोड़ा सा हम लोग को टेस्ट करने के लिए दिया वो भी देखा, बहुत अच्छा लगा। और वो एक फिर वो आपका स्लश वाला है, स्लश वाला है। अच्छा, वो भी देखा भाई, अच्छा लगा। अच्छा। सर सब मशीनरी आपको कैसी लगी सर? हमारी अच्छी लगी, अच्छा लगा सर, सब अच्छी लगी, अच्छा लगा सर। अच्छा, तो सर का ये बॉटलिंग प्लांट लेने का विचार है सर, ये बॉटलिंग प्लांट के लिए स्पेशल उनका कॉन्सेप्ट बॉटलिंग प्लांट का है, लेकिन हमने इनको 2-3 प्रोडक्ट हमारे दूसरे भी बताए, तो सर उसके लिए भी इंटरेस्टेड हुए, उसके लिए भी अट्रैक्टिव हुए कि भाई नहीं, ये बिजनेस भी चलेगा हमारे यहाँ पे, हमारे को करना चाहिए। फिलहाल तो ये सर बॉटलिंग प्लांट का सोच रहे, लेकिन फ्यूचर्स के लिए वो दूसरे मशीनों के बारे में भी सोचेंगे। तो हम सर को थोड़ा ये मशीन के अंदर से जीरा मसाला का फ्लेवर बना के टेस्ट करके बताएंगे और सर से थोड़ा रिव्यू लेंगे कि उनको फ्लेवर का टेस्ट कैसा लगा। सर थोड़ा हम आपको फ्लेवर बनाएंगे इसके अंदर से प्लेन सोडा फिलअप होगा, पहले हम सोडा फिल कर रहे हैं, ये हमारी 1+2 की मशीन है, उसके बाद यहाँ पे हम इसको जीरा मसाला हमने फ्लेवर डाला है उसको फिल करेंगे, उसके बाद ये कैपिंग मशीन हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे इस बॉक्स में हमने कैपिंग लगाया हुआ है, ढक्कन लगाया हुआ है, ये ढक्कन हम इसमें लगाएंगे, ये ढक्कन कैप हो चुका है, ये फ्लेवर का बोतल तैयार हो चुका है, रेडी ड्रिंकिंग के लिए, सेलिंग के लिए तैयार है। यहाँ पे अपने ब्रांड का स्टिकर लगा के आप मार्केट में छोड़ सकते हैं। सर जरा टेस्ट करके बताइए हमारे व्यूअर्स को कैसा टेस्ट है, क्वालिटी स्ट्रॉन्गनेस कैसा है, जरा बताइए। बढ़िया सर, आपकी टेस्ट के लिए स्ट्रॉन्गनेस कैसा लगा सर, पावर स्ट्रॉन्गनेस कैसा है? ठीक है सर, अच्छा है। और फ्लेवर का टेस्ट कैसा, जीरा मसाला का? फ्लेवर का भी एकदम अच्छा, अच्छा टेस्ट है फ्लेवर का भी, बढ़िया है। आपको कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया सर जी, बहुत अच्छा लगा। जीरा मसाला है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, हाँ जो
आम जो कोक कोला जो को पिया होगा उससे बढ़िया है, उससे बढ़िया। और मेन इम्पोर्टेंट ये आइटम फ्रेश मिलता है, कंपनी का माल रहता है, वो एक महीने बाद लोगों को पीने जाता है और अपने चीज फ्रेश बना के देना है लोगों को। और इसके अंदर से कौन सा सब अलग अलग फ्लेवर भी अपने बना सकते हैं, आपको जो फ्लेवर बनाना है, जो भी मेंटेन करना है, जीरा, ऑरेंज, फ्रूट भी है, लीची, एप्पल, कोई भी फ्लेवर बनाना है आप इसके अंदर से बना सकते हो। और सर थोड़ा आप नेपाल से आए तो अपना थोड़ा नेपाल के हमारे कोई व्यूवर्स से हमारे देखने वाले वीडियो तो उनके लिए कुछ नेपाल की लैंग्वेज में कुछ बताइए सर, आपके दो शब्द कहिए सर नेपाल के लैंग्वेज में, हमारी कंपनी के बारे में कहिए सर थोड़ा। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र प्रजापति, म सिनापा दुई भैरवा रूपन्देहीबाट म आएको छु। मैले यो कम्पनीको युट्युबमा सर्च गरेर यस्तै घरमा बसेर मैले हेरिरहेको थिएँ कि कुनै यो हाम्रो लकडाउन पछि केही बिजनेस गरौँ भनेर बस्दाखेरि मैले यो डल्फिन भनेर बिजनेस आइडियाबाट मैले नाम मैले पाएँ। नाम पाएपछि मैले कन्ट्याक्ट पनि गरेँ, कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि मैले यहाँको जुन हामीसँग उहाँले रिसिभ इन गर्नुपर्ने, हामीसँग जुन कन्ट्याक्ट गरेर हामीलाई फलोअप गर्नुपर्ने त्यो बहुत राम्रो उहाँको छ। हामीले पनि अब केही गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै यो सोडा फिलिङ अनि हाम्रो आइसक्रिम अनि हाम्रो उखु पेल्ने मसिनहरू जस्ता विभिन्न किसिमका सामानहरू बनाइन्छ, हजुरहरू पनि केही गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यहीँ आएर भिजिट गरेर या अनलाइनबाट हजुरहरू कन्ट्याक्ट गरेर पनि सामान मगाउन सक्नुहुन्छ भन्दै यहाँहरूसँग बहुत राम्रो व्यवहार पनि गर्नुहुन्छ भन्दै म दुई शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। नमस्कार, उपस्थित सम्पूलाई नमस्कार। नाम सञ्जय कुमार कुर्मी, भैरवा रूपन्देही जिल्लाबाट म यो उहाँको यो डल्फिन जुन एउटा कम्पनीको जुन नाम छ त्यो मैले एक त के गरेँ भने युट्युब चलाउँदाखेरि मैले युट्युबमा सर्च गरेँ र युट्युबमा सर्च गरिसकेपछि मैले एउटा मान्छेले किन लगानी लगाउनको तपाईँले 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड रुपियाँ भनेर पनि यसमा छैन। अब यसो हेर्दाखेरि अब हाम्रो नेपालीहरूले के गर्ने, अब बेरोजगार भएर पनि बसिएको छ, त्यसले गर्दा एउटा सानोतिनो रकमबाट सुरुवात गरौँ भनेर एउटा सोच गराएका थियौँ र त्यो युट्युबमा सर्च गर्दाखेरि हामीले सरलाई कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ। सरलाई कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि अब त्यो मसिनको प्राइजहरूको सोधिहाल्यौँ। सोद्धाखेरि हाम्रो आफै यहीँ आएर के त्यसमा आएर हामीले भिजिट गऱ्यौँ र भिजिट गर्दाखेरि पनि मान्छेको एउटा के हुन्छ भने उहाँ सरहरूले जुन हामीले जुन तरिकाले उहाँले रिस्पेक्ट गर्नुभयो, जुन हामीले अब आएको खण्डमा उहाँले आफै फोनहरू गर्नुभयो, अरू कम्पनीहरू त थुप्रै कम्पनीहरू छन् तर उहाँले हामीलाई पनि जे होस् एकदम राम्रोसँग आएर यहाँको कुन कुन आइटमहरू के छ उहाँले आफ्नो जति पनि भेराइटीहरू छ त्यो भेराइटीहरू पनि दिनुभयो र त्यो भेराइटीहरू हामीले चेक गराइसकेपछि हाम्रो खाएर पनि आफै पनि एकदम सन्तुष्ट भयौँ। र यहाँ आउँदा एउटा नयाँ कुरा के सिक्न पाइयो भने यहाँ 101 नयाँ जस्तै अब मानौँ न उखु पेल्ने हाम्रो अब अहिले भनौँ न हाम्रो भैरवैमा या अरू ठाउँमा त्यही ठेलामा राखेर या त जेनेरेटरबाट चलाउने छ तर यहाँ आएर के एउटा नयाँ एउटा टेक्नोलोजी अनुसार के हेर्न पाइयो भने उखु पेल्ने मसिन पनि सानो एउटा त्यसको लागि अब जेनेरेटर पनि नचाहिने कि जुन ठाउँमा पनि लगेर हामीले के गर्न सकिन्छ भने त्यसले राखेर आफ्नो एउटा रोजगार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै आइसक्रिमहरूको लागि पनि यस्तो आइसकेछ होइन त्यो नयाँ नयाँ अब सर ओभी इधर आ सकता है हो कुन छ स्लस वाला अनि म के देखाउन चाहे भने हजुरहरूलाई यो अहिले एउटा हाम्रोसँग अगाडि तपाईँले प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ यहाँ हाम्रोसँग आइक्लस भन्ने एउटा त्यो आइसक्रिम आयो। म अलि तपाईँहरूलाई यसो देखाउन चाहे यसो हेर्नु होला के हेर्नुहोस् अब हामीले यो भोलिको दिनमा मानौँ न हामीले यो खानाको लागि पनि हेरौँ म अलिकतिलाई चाखेर पनि हेर्छु यसको टेस्ट पनि हामीले जस्तै मानौँ न मार्केटमा आयो भने त्योभन्दा एकदम राम्रो हो कि एकदम यसको टेस्टै एकदम राम्रो छ होइन। र अर्को पनि मसिन हाम्रोसँग जो उहाँसँग मैले यो कुरा योभन्दा पहिला पनि मैले भनिसकेको थिएँ यसमा यो जो उखु छ अहिले हाम्रो नेपालमा प्राय जस्तो के भएछ भने त्यो जेनेरेटरबाट उखुहरू गर्छन् तर यहाँ यस्तो के सिस्टम छ भने यो उखुलाई यहाँ हालिसकेपछि हेर्नुहोस् यहाँ ब्याट्रीले यहाँ हालिसकेपछि यसको जुन सफा हामीले के गर्छौँ यहाँ निकाल्न सकिन्छ यसो यो
यो हेर्नुस् अहिले एकदम नयाँ टेक्नोलोजीको हिसाबले भनेपछि तपाईँको जेनेरेटरहरू पनि केही पनि चाहिन्न। हामीले यस्तो सानो सानो बेरोजगारीहरूबाट यदि हामीले गर्न चाह्यो भने यो धेरै पनि हामीले धेरै लगानीहरू पनि छैन होइन। उहाँ सरहरूको आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर छ, या त हामीले पनि तपाईँले सम्पर्क गरेर हामीले तपाईँ उहाँ सरहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर दिएर हामी तपाईँले पनि यो सहयोग गर्न सक्छौँ भने यति भन्दै म आफ्ना दुई चार शब्द यहीँ राख्छु। हस् त, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे विजिट के लिए आए, हमको बहुत अच्छा लगा सर आप विजिट के लिए आए, हमारे को खुशी हुई। हमारे कस्टमर यहाँ पे आते हैं, विजिट करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको खुशी लगती है। आपके पास भी टाइम है तो एक बार जरूर आइए, कॉन्टेक्ट कीजिए हमारी कंपनी की, विजिट कीजिए, फैक्ट्री में आइए। और दोस्तों, एक इस वीडियो पसंद आए तो इसको वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।